हम अभी हैं लालगढ़ जंक्शन पे, और जो लालगढ़ जंक्शन है वो बीकानेर से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जैसलमेर के लिए अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप बीकानेर भी जा सकते हैं हालांकि, लेकिन हम जो हैं वो लालगढ़ जंक्शन पे हैं। यहाँ से जो ट्रेन जाती है जैसलमेर की, वो जाती है रात को 11:25 पे लीलन एक्सप्रेस, जो कि पीछे से जयपुर से आती है। गाड़ी का नंबर है 12468। तो हम अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, मैं और जितेंद्र हैं, और हम कल सुबह तक जैसलमेर पहुँच जाएँगे। जहाँ पे 1965 में पाकिस्तान ने बम के गोले बरसाए थे, लेकिन मंदिर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। 1971 में भी जो भारतीय जो अपने आर्मी वाले थे, उन्होंने भी युद्ध पे विजय प्राप्त की, और उसके 1965 से ही BSF इस मंदिर की साफ संभाल कर रही है। के जो भक्त आते हैं वो यहाँ पे रुमाल बांधते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो आगे रुमाल यहाँ पे खोल देते हैं। आप देखते हैं काफी लोगों ने रुमाल बांधे हुए हैं यहाँ पे। तो
तो हम अभी हैं जैसलमेर में। कल हम चले थे मेरे होम टाउन हनुमानगढ़ से गए बीकानेर और सुबह 7 बजे हम पहुँचे जैसलमेर। वहाँ हमने चेक इन किया एक हॉस्टल में, उसके बाद हमने बाइक रेंट पे ली और हम गए माता तनोट के इसी रास्ते से। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी रोड है, बिल्कुल टर्न कर रही है, दोनों तरफ रेगिस्तान है और सामने है एक छोटा सा गांव राणा तौर। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से लग रहा है, छोटा सा गांव, बसावट जो है वो देखते ही बन रही है। और हम अभी माता तनोट के जाके आए। माता तनोट वही टेम्पल है जहाँ पे 1965 में पाकिस्तान वालों ने 3.5 से 4 हज़ार बम बरसाए वहाँ पे मंदिर के आसपास, लेकिन मंदिर को वो छू नहीं पाए। तो हम वहाँ पे माता के दर्शन किए हमने और अभी हम जा रहे हैं सैम ड्यून्स, सम के धोरे। वहाँ हम ऊँट की सवारी करेंगे, कैंपिंग करेंगे और रात को बोनफायर करेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। सिया, बाय।